हेलो स्टूडेंट्स बेटा, कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम थी कि पिछली जो हमारी कविता है आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है। बट बेटा, ये मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है, लेकिन कुछ बच्चे उस दिन एबसेंट थे तो उनको नहीं क्लियर हुआ होगा। तो आज मैं अपनी उसी कविता का आपको एक्सप्लेनेशन सारांश के रूप में बता रही हूँ। कविता हमारी है आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पहली कविता हमारी है आत्म परिचय। इसमें देखिए कि कवि क्या कह रहे हैं। इस कविता में कवि क्या कहते हैं, अपने ही बारे में परिचय देते हुए ये बता रहे हैं कि कवि समाज और समाज के लोगों से किस तरह से अलग है। क्यों? क्योंकि जो समाज के लोग हैं वो अपनी तरह तरह की भौतिक वस्तुओं को जोड़ने में लगे रहते हैं, किंतु कवि क्या कहता है कि मैं उनकी तरह नहीं हूं, मुझे इन सब चीजों से कोई तात्पर्य नहीं है, बल्कि मैं ये सब भौतिक वस्तुओं को ठुकराता हूं। कवि समाज में प्रेम और आपसी सहयोग की भावना का अभाव महसूस करते हैं, जिसके कारण उन्हें मन ही मन कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनका स्वयं का जीवन भी इस पीड़ा को झेल रहा होता है। इसी कारण वे ये चाहते हैं कि समाज में लोगों को प्रेम व सौहार्द की भावना से विकसित किया जाए, उन्हें उससे प्रेरित किया जाए। अपनी कविताओं में, अपने गानों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से वे लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि प्रेम पूर्वक समाज का स्थापना जो है वो हम सब करें, ताकि सभी लोग आपसी सहयोग से रह सकें। नेक्स्ट इसमें आती है अगली कविता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता में कवि ये कहते हैं कि जिस प्रकार समय है, समय निरंतर जो है दौड़ता चला जा रहा है, और व्यक्ति को ये चाहिए कि अपने कार्य जो है समय से वो पूर्ण कर लें, क्योंकि बीते हुए समय को लौटाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी ढलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता से तात्पर्य यही है कि समय का तीव्रता से दौड़ना है ना। तो इसीलिए कवि समय के महत्व को बताते हुए इस कविता में ये कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है समय रहते अपने सारे कार्य पूर्ण कर ले। तो आई होप कि आप सबको क्लियर हो चुका होगा। वैसे क्वेश्चन आंसर्स में भी पूरी डिटेल आपके पास है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।